सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है BPCC 103 की, जो कि होगी जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन के लिए सॉल्व असाइनमेंट वीडियो। सो ये असाइनमेंट वीडियो मेरे ही द्वारा पूरा सॉल्व करवाई गई है, भले ही इसमें राइटिंग मेरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में चला गया हूँ और ये असाइनमेंट फर्स्ट ईयर की है। सो असाइनमेंट लिखते वक्त कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे इन्होंने गलतियाँ की है मेरे बताने के बावजूद, कि एक से दो से तीन सेमी का एक साइड में तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज पे बन के आता है, और दो से तीन सेमी का आपको बाय एक ठो यहाँ पे स्केल से एक मार्जिन देनी पड़ती है, वो उन्होंने नहीं किया। हर पेज पे पेज नंबर ऐड करना है, जो इन्होंने किया एक अच्छी बात है, और अच्छे से अच्छे असाइनमेंट लिखनी है। इनकी राइटिंग का जो तरीका है वो गलत है, इनकी राइटिंग एक तरफ थोड़ी झुकी हुई है, तो ये वाली टेक्निक अच्छी नहीं होती है राइटिंग में देखी जाए। तो देखिए, उनकी पैराग्राफ की पहली लाइन सही लिखी हुई है, फिर बाद की सारी लाइनें ऐसी टेढ़ी झुकी हुई हैं। तो ये वाली तरीका देखा जाए तो राइटिंग में गलत तरीका माना जाता है, और बैचलर्स लेवल की राइटिंग इसे नहीं माना जाता है। इसे अब तो कक्षा छठवीं सातवीं की राइटिंग है, लेकिन राइटिंग बहुत सुंदर है, बस ये टिल्टेड है, एक तरफ आपके लेफ्ट वाले साइड टिल्ट है, यह थोड़ी सी झुकी हुई है, क्योंकि लिखते समय कॉपी को मोड़ लिया जाता है, इस कारण होता है ऐसे तो अक्सर। चलिए वो सब चीज़ें छोड़िए, हम बात करते हैं इस असाइनमेंट के और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करें वो हमेशा एक अलग पेज से स्टार्ट करें, जो कि आपने को इस असाइनमेंट में देखने मिलेगा, कि ये नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो उसके जस्ट दो लाइन छोड़ के आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग बैचलर्स में आ गए और असाइनमेंट लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हमेशा फॉलो कीजिएगा, और हमेशा पंचोल वाले पेज दीजिएगा, ऐसा मत पेज दीजिएगा जिसमें लिख दे फिर बाद में पंचोल कराना पड़े, और अपनी असाइनमेंट की एकदम आखिरी छोर तक के एकदम आखिरी पेज की लाइन तक मत लिखिएगा, जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने किया है ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, और अपनी इस लास्ट लाइन के एक लाइन भी नहीं दो लाइन पहले छोड़ दीजिएगा, और हमेशा ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन को उतारिएगा, लेकिन प्रश्न डालना है तो डालिएगा, उत्तर तो ज़रूर डालिएगा कि उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात कि असाइनमेंट बहुत सुंदर लिखी होनी चाहिए, ऐसे घुसा घुसा के नहीं लिखी होनी चाहिए, जैसा कि आपने अगर BPCC 001 की असाइनमेंट में देखा होगा कि वो बहुत घुसा के कंजस्टेड रूप में लिखी हुई थी। तो ये असाइनमेंट तो ऐसे नहीं लिखी हुई है, वो मुझे किसी और ने दी थी और ये किसी और ने दी है। सो आप ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा ईजी वे में असाइनमेंट लिखें, और कभी भी कोई ग्राफ बनाना हो या चित्र बनाओ, हमेशा वाइट पेज पे चिपका के बनाए या ऐड करके बनाए, वो आपका मन, लेकिन हमेशा वाइट पेज पे बनाए, और हमेशा आप किसी भी की कोई भी असाइनमेंट लिख रहे हो उसके इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लीजिए, क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्या आपसे मांगा जा रहा है असाइनमेंट में, ये चीज़ें होनी चाहिए। सो हमेशा ध्यान रख के ये सब चीज़ें कीजिएगा, और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आपको, इग्नूस एग्ज़ाम सही और असाइनमेंट री रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो अबाउट इग्नू, तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी किसी भी एक जगह पे एक आप मैसेज करके भी आप उससे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन बटन उसको भी दबा दीजिएगा, जो कि आजकल गैप कर दिया है, सब्सक्राइब करने के बाद आता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर अपनी असाइनमेंट मुझसे साझा करना चाहे, और अगर आप एक बार चेक कराना चाहे कि आपने असाइनमेंट अपनी सही की है, तो आप उसको कुछ पेजेस भी आप मुझे सेंड करके आप चेक करवा सकते हैं कि आपके असाइनमेंट कितने लेवल के मार्क्स डिजर्व कर दिया। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप फिर से वीडियो को असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाटा बाय बाय।